गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा कल हम लोगों ने रैदास के पद डिस्कस किए थे। ब्रजेश दूसरा पद समझ में आ गया था या डाउट है? बुक है आपके पास? क्यों डाउट था बेटा, बुक तो लेकर के आते। दूसरा पद दोबारा समझाने वाली हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा एक बार। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। लाल कहाँ है? ईश्वर को, प्रभु को। ऐसी लाल, इसमें रहदास जी अपने ईश्वर से कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, हे भगवान तुम्हारे बिना, तुझ बिनु तुम्हारे बिना, ऐसी ऐसी दया कौनु करे। कौनु करे मतलब कौन करे। हे प्रभु जितने तुम कृपालु हो, जितने तुम दयालु हो, सब पर कृपा करते हो, दया दृष्टि रखते हो, ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। गरीब निवाजू, गरीब मतलब दीन दुखी, निवाजू मतलब दया करने वाला, दीन दुखियों पर दया करने वाले गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी भगवान। हे भगवान आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। मेरा माथे छत्र धरे, मेरा माथे, मेरे माथे पर, मेरे सिर पर छत्र धरे। आपने अपनी दया का हाथ, अपनी छत्र छाया मेरे सिर पर कर दी है। मैं एक अदना सा व्यक्ति, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरे सिर पर छत्र रख दिया, यानी कि आपने मुझे नीचे से ऊंचा उठा दिया। जाकी छोती जगत कौ लागे। जाकी छोती, जाकी मतलब जिसकी, छोती मतलब छोटी, जिसकी जाति छोटी है। जगत कौ लागे, जगत मतलब लोग, दुनिया, कौ को लगे, जिसकी जाति लोगों को, इस संसार को छोटी लगती है, तापर तू ही धर है। तापर उस पर तू ही, तुम ही धर है, दया करते उस पर तुम ही अपनी दया दृष्टि रखते हो। नीचहु ऊंच करे मेरो गोबिंद, काहू तेना डरे। नीचहु ऊंच करे मेरो गोबिंद, रैदास जी कहते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरे प्रभु नीच जाति के व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं। काहू तेना डरे, काहू मतलब किसी से, काहू तेना डरे, और ऐसा करते हुए वे किसी से भी नहीं डरते हैं। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरह। तरह मतलब भव सागर पार हो गए। ये सब मैंने कल भी बताया था, ये सब छोटी जाति में गिने जाते हैं। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना और सैनु आपका नाम लेकर इस भव सागर से पार हो गए। कह रविदास सुनो रे संतु हरि जियो ते सबै सरै। कही रविदास, रविदास जी कहते हैं सुनो रे संतो, हे संतो सुनो, हरि जियो, हरि जियो हरि जी प्रभु, ते सभे सरे, ते से सभे सब कुछ सरे संभव है, ईश्वर कुछ भी करने में संभव है। हुआ क्लियर कुछ कि नहीं हुआ अभी भी? श्योर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? सब वीडियो बंद करके बैठे हैं बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पहले पद में भगवान और भक्त की किन किन चीजों से तुलना की गई है? ईवा भक्त, पहले पद में भक्त और भगवान की चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, चकोरा नहीं, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागे और
सोने तथा सुहागे से तुलना की गई है। क्लियर, ये सब एग्जांपल्स हम उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट, कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। गुड। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू भगवान को कहा है। गरीब निवाजू का अर्थ होता है दीन दुखियों पर दया करने वाला, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों पर दया करते हैं और सबका बेड़ा पार लगा देते हैं, सब पर कृपा करते हैं, इसलिए उन्हें कवि ने गरीब निवाजू कहा है। दूसरे पद की जाकी छोती कऊ लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स फॉर दिस आंसर। जाकी छोती जगत को लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? नो वन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को भी यह समझ में नहीं आया, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया? हाँ जी अर्षप्रीत। जिन लोगों को नहीं, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। जो हमें जाति के नहीं लगते हैं, मतलब हाँ, ठीक है। यस तनिष्क, मैम इसी क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी, जाकी छोट जगत को लागे ताँ पर तू ही ढरे का अर्थ है कि गरीब और अगरीब लोगों को समाज सम्मान नहीं देता, उनसे दूर रहता है, परंतु ईश्वर को कोई भेदभाव नहीं करते, उन पर दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी पीड़ा हरते हैं। ओके। इस पंक्ति का अर्थ है कि समाज में जिन लोगों को नीच जाति का समझा जाता है, ईश्वर उन्हें नीच जाति का नहीं समझते, बल्कि उन पर अपनी दया का हाथ बनाए रखते हैं। रैदास जी ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? अंजलि जी, गुड। रैदास जी ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया और गोविंद आदि नामों से पुकारा है। नेक्स्ट, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। जाकी अंग अंग बास समानी, नेक्स्ट ऑन आपकी। जाकी अंग अंग बास समानी, इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार चंदन पानी में घुल जाने पर अपनी खुशबू उसमें छोड़ देता है और उससे उस खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जब ईश्वर के राम नाम की रट लग जाती है तो वह हमारे अंग अंग में समा जाता है, जिसे खुद से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चितवत चंद चकोरा, रैदास जी, ओके। हां जी तनेश, बैठो बैठो। यस मैम,
इस पंक्ति का अर्थ है कि चकोर पक्षी अपने प्रिय चांद को जैसे एकटक निहारता रहता है, उसी तरह कवि अपने प्रभु राम को भी एकटक निहारता रहता है, इसलिए कवि ने अपने अपने को चकोर कहा है। ओके, हां जी गुरजात। इस पंक्ति के माध्यम से रविदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे चकोर पूरी रात एकाएक चांद को निहारता रहता है, वैसे ही वह भी अपने प्रभु को पूरा वक्त सारे टाइम पूरा समय एकाएक निहारते रहना चाहते हैं। एक तक, एकाएक नहीं, एकाएक का मतलब होता है अचानक, एक तक। ओके, जैसे चितवत चंद चकोरा, इस पंक्ति के माध्यम से रविदास जी कहना चाहते हैं जिस प्रकार से चकोर चांद को एक तक निहारता रहता है, उसे बिना पलक झपके उसे निहारता है, इसी प्रकार से वह भी अपने प्रभु को हमेशा निहारते रहना चाहते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, कौन बताएगा? जाकी ज्योति बरे दिन राती, बताओगे? हाँ जी इवा। नहीं, हाँ गुड। जाकी ज्योति बरे दिन राती, इसमें रैदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से दिए में बाती हमेशा जलती रहती है और रोशन रहती है, उसी प्रकार वह भी प्रभु के प्रभु को दीपक मानते हैं और खुद को बाती मानते हैं और प्रभु से रोशनी प्राप्त करके हमेशा उनका नाम लेते हुए चमकते रहना चाहते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, बोलो लीजा, बताओगे? हाँ जी दोबारा, मुझे दोबारा बोलो बेटे एक बार। ओके, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, इसमें रास जी बताते हैं कि जैसी कृपा भगवान उन पर करते हैं ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, कृपा, कृपा शब्द लिखेंगे, ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। नीचो ऊंच करे मेरो गोबिंद काहू ते ना डरे, ओके। इस पंक्ति का अर्थ है कि रैदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा उठा देते हैं और ऐसा करते हुए वे किसी से भी डरते नहीं हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? नो, ओके। आज हमने रैदास डिस्कस किए हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज आपका टेस्ट है रैदास का, ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, मुझसे किसी बच्चे ने मैसेज करके पूछा था कि मैम पेपर का पैटर्न क्या होगा। मैंने बेटा आप लोगों को पेपर का पैटर्न पहले भी एक बार बताया था, फिर से एक बार आज बताने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। बेटा आपका जो पेपर है 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका हॉलीडेज होमवर्क, आपकी नोटबुक्स, आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपकी कोई लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी होती है, टाइम टू टाइम जो भी आपकी एक्टिविटीज, क्लास परफॉर्मेंस कि आप क्लास में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सब चीजें टाइमली जो भी आपको काम दिया जाता है 10 मार्क्स उसके हैं असेसमेंट के। 40 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, पेपर में सबसे पहले आपको
अपठित गद्यांश है, ठीक है, अपठित गद्यांश है जिसमें चॉइस है दो में से एक, फिर दो में से एक, टोटल दो, टोटल दो गद्यांश आप लोगों ने करने हैं। दो गद्यांश होंगे जिसमें से एक करना, फिर दो होंगे जिसमें से एक करना, ठीक है। काव्यांश नहीं है इसमें, काव्यांश अपठित काव्यांश नहीं है, ये अपठित गद्यांश है जो हमारे पढ़े हुए में से नहीं है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, दो में से एक, दो में से एक, टोटल दो करने हैं 10 मार्क्स के, ठीक है, 5-5 each 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद बेटा आपकी ग्रामर है, ठीक है, व्याकरण है आपकी, व्याकरण में आपके विषय हैं शब्द और पद, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सभी हम कर चुके हैं, ठीक है, ग्रामर के। हाँ जी, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसमें से शब्द और पद जो है वो 2 नंबर का है, अनुस्वार अनुनासिक भी 2 नंबर का, उपसर्ग प्रत्यय भी 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के करके हैं सब, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पर्श बुक में से, संचयन में से आपका कुछ भी टॉपिक नहीं है इस वक्त, कोई भी टॉपिक नहीं है। हाँ जी, अभी बताती, ठीक है। अब इसके बाद है स्पर्श, स्पर्श में आपके रैदास हैं, रहीम हैं, ठीक है, जो पोएट्री का पोर्शन है, आपको जो स्पर्श है इसमें भी पद्य और गद्य 2 भाग हैं, पठित पद्यांश और पठित गद्यांश, ठीक है, ये आने हैं। पठित पद्यांश होगा 4 नंबर का और गद्यांश 10 नंबर का, ठीक है, 14, 10 और बाकी ग्रामर, क्लियर। 4 मार्क्स का पद्यांश, 10 मार्क्स का गद्यांश, 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश और बाकी ग्रामर है, ठीक है। और ये सारा पेपर बेटा एमसीक्यूज में है, एमसीक्यूज के लिए हमें और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको पता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, वो आपको थोड़ा डीपली और करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा एमसीक्यूज में है। मेरे सामने अभी एक स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम एमसीक्यूज फॉर्म में भी एक टेस्ट भेज देना ताकि थोड़ा हमें पता चल जाए कि किस फॉर्म में आना है। बेटा आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने एमसीक्यूज फॉर्म में टेस्ट भेजे हैं, आपके पीछे जो टेस्ट हुए हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में हुए हैं, मैंने 1 वर्ड भी लिए हैं, उससे पहले सब्जेक्टिव लेती रही हूँ, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज फॉर्म में भी लिया है, ठीक है, आपके ग्रुप में मैंने डाले हुए हैं टेस्ट, ग्रुप में भेजती हूँ, एक बार प्लीज वो चेक करिएगा, आगे जो टेस्ट होंगे वो फिर एमसीक्यूज में ही भेजूंगी, ठीक है, पर प्लीज एक बार जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए हैं वो पीछे के टेस्ट निकाल करके देखें, और आपको अगर पता हो जिन लोगों ने टेस्ट में अपियर, जो लोग नहीं हुए आपको टेस्ट चेक होकर भी वापस भेज दें ताकि आपको पता चल जाए कहाँ क्या गलत हुआ है, ठीक है। सो प्लीज बी अटेंटिव फॉर दिस, राइट। किसी को कोई और डाउट इसमें, किसी ने कुछ और पूछना हो? नो अभी तक हमने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, दुख का अधिकार, रैदास और रहीम ये रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, साथ ही इनका हम लोगों ने टेस्ट भी दे दिया है, आज रैदास का टेस्ट भी हो जाएगा
और आप अपने ग्रामर भी बेटा साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। ग्रामर में आप लोगों ने जो टॉपिक्स मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं, सिर्फ वो नहीं करने हैं, जो बुक के पीछे ग्रामर दी हुई है मैंने वो भी करवाई है आप लोगों को। पर्यायवाची विलोम जो चैप्टर्स के पीछे दिए हैं हमने वो भी डिस्कस किए हुए हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी पढ़िए, ठीक है। और इस बार राइटिंग स्किल नहीं है सिलेबस में, राइटिंग स्किल नेक्स्ट टाइम, ओके। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एनी डाउट? नो? ओके ओके। अर्शप्रीत ने कहा है कि श्रुति संभिन्नार्थक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो करवा दो। बेटा मैंने आपको श्रुति संभिन्नार्थक जब पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि ये अलग अलग शब्दों से बना है। श्रुति का अर्थ है सुनना, सम का अर्थ है एक जैसा, भिन्न अलग अर्थक अर्थ, शब्द मतलब शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है और लिखने में भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए और तुम उस और जाओ, तुम और मीनू उस और जाओ, पहले और लगा फिर और लगा, तुम और मीनू उस और जाओ। अब प्रोनाउंसिएशन है देखो, और ठीक है। मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप जब भी हिंदी भाषा पढ़ते हैं आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए, क्योंकि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखेंगे। हमारा पठन और हमारा वाचन, स्पीकिंग, उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से ले लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे अनु और अनु, अनु 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 होता है पीछे, अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना। अनु मतलब कण, पार्टिकल्स, ठीक है। बोलने में एक जैसे हैं, बस न और न का अंतर है। अनु अनु आपको बोलना भी ऐसे ही चाहिए, इसको अनु नहीं बोलना चाहिए, अनु बोलना चाहिए न के साथ। कुछ बच्चे से अड़ बोल देते हैं, अड़ू, नो, अनु, ओके। और एग्जांपल ले लेते हैं, उर और उरु, उर उरु, उर मतलब हृदय मन और उरु मतलब जांघ, टांग का ऊपर का हिस्सा, ठीक है। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग है और लिखे भी अलग जाते हैं, ठीक है। एक बार आपको जो मैंने भेजा है वो पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर मुझसे पूछिए। कोई शब्द नहीं समझ में आता, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा, तो मोस्ट वेलकम, कभी भी पूछिए, ठीक है। एनी अदर डाउट एनीबडी? नो? ओके okay.